Hello everyone, welcome back to my channel Anna World. So it's day 2 in Mussoorie and morning ka view yahan ka bahut hi amazing hai. Dekhiye Mussoorie day 1 ki video maine aapse share kar rakhi hai, wo aap mere channel mein dekh sakte hain. उसमें मैंने बताया था कि हमें स्कूटी रेंट मिली थी. सेम हमने डे 2 में भी स्कूटी रेंट में लेकर हम निकल गए अपने फर्स्ट व्यू के लिए. फर्स्ट पॉइंट देखने के लिए निकल गए हैं, वो है लाल टिब्बा. वो यहाँ से उसका 32-35 मिनट्स हमें लग गए थे पहुँचने में. डिस्टेंस है उसका 5.3 किलोमीटर. सो हम टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर पहुँचते हैं लाल टिब्बा. सो हेयर इट इज़, वी रीच हेयर. ये है लाल टिब्बा बाइनोकुलर कैफे. यहाँ से आप इसका पूरा व्यू देख सकते हैं फ्रॉम द टेरेस. ये यहाँ पे शॉप्स है, यहाँ पे कैफ़े है, ये आप खा सकते हैं. यहाँ का फूड बहुत ही अच्छा है, महंगा है बट इट्स रियली गुड. यहाँ पे आपको टिकट का प्राइस जो है वो 50 रुपीज़ है, लेकिन अगर आप यहाँ पे फूड खा लेंगे तो यू डू नॉट हैव टू बाय अ टिकट. सो ये है बाइनोकुलर और मैं यहाँ से देख रही हूँ व्यू. सो यहाँ से जो आप पहाड़ों को करीब से देख सकते हैं, और यहाँ से केदारनाथ का और बद्रीनाथ का भी पीक क्लियरली दिखाई देता है. सो यहाँ का व्यू देखते हुए मैं निकल गई हूँ चर्च की तरफ. यहाँ से चर्च थोड़ा नज़दीक में है तो मैं निकल गई. थोड़ी सी स्कूटी राइड भी करी मैंने यहाँ पर. सो वी रीच्ड चर्च. चर्च संडे के दिन ओपन रहता है, बाकी दिन ये क्लोज रहता है. तो मैं यहाँ पहुँची हूँ. तो मेक श्योर अगर आपको चर्च आना है तो वो संडे वाला दिन हो, क्योंकि ये बंद रहता है. तो फिर ये बंद था जब मैं यहाँ पहुँची. तो हम बाहर से इसका व्यू देखते हुए चर्च को, और यहाँ से हम निकल गए अपने नेक्स्ट पॉइंट के लिए. सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जॉर्ज एवरेस्ट. तो हम जॉर्ज एवरेस्ट की तरफ जा रहे हैं. सो बीच में हमें डोमो इन कैफ़े ये हमें दिखाई दिया, जो कि बहुत ही सुंदर दिख रहा है. ये देखिए. सो व्यू देखते हुए मैं जा रही हूँ जॉर्ज एवरेस्ट, जो कि यहाँ से 21 मिनट्स के डिस्टेंस पे है, और 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और मुझे 21 मिनट्स लग गए यहाँ पहुँचने में. बीच में बहुत ही प्यारे प्यारे व्यूज़ देखे, तो मैं वहाँ पे थोड़ा रुकी और मैंने यहाँ पे व्यूज़ देखे. दैट इज़ वेरी मेसमराइजिंग. और मैं यहाँ पहुँच गई हूँ. सो स्कूटी की हमने यहीं भी पार्किंग कर दी, यहाँ पे फ्री थी. तो हम यहाँ से चले वहाँ पैदल 1.5 किलोमीटर तक. सो हम इतने चलते हुए यहाँ पहुँच गए. यहाँ भी पार्किंग है, बट यहाँ पार्किंग की जो है चार्जेस लगते हैं. और यहाँ पे फूड स्टॉल्स भी है बहुत सारे, आप देख सकते हैं. और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं एवरेस्ट की तरफ. सो ये ट्रैकिंग काफ़ी लंबी है, मुझे 40-45 मिनट्स लग गए ट्रैक करते हुए पर पहुँचने में, क्योंकि काफ़ी ऊंचाई पर है. फाइनली ट्रैकिंग करते हुए हम यहाँ पहुँच गए हैं एवरेस्ट पर. यहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा था, बहुत ही गजब का, और बहुत ही सुंदर लग रहा था यहाँ का व्यू. यहाँ आराम से बैठे, कोई शोर शराबा नहीं, कोई क्राउड नहीं था यहाँ पे, बिल्कुल शांत इन्वायरमेंट जहाँ से आप इसका व्यू का बहुत अच्छा मज़ा ले सकते हैं. तो इट वॉज रियली अमेजिंग. Thank you.
शाम ढलने को है और अब मैं यहाँ से निकल गई हूँ। सनसेट का व्यू देखते हुए यहाँ से अब मैं जा रही हूँ बुद्धिस्ट टेंपल और सनसेट हो रहा है। देखे हम जल्दी पहुँच पाते हैं कि नहीं। सो इट्स ऑलमोस्ट सनसेट हो गया है और हम पहुँच गए हैं बुद्धिस्ट टेंपल, बट इट इज़ टू डार्क। हम यहाँ ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे, सो हम इसे कवर करते हैं डे 3 में, नेक्स्ट डे कवर करेंगे। सो हम यहाँ से निकल गए हैं और पहुँच गए हैं लिटिल अलामा कैफ़े में, जो कि मॉल रोड में है। इसका इंटीरियर बहुत ही अच्छा है, आप देखिए। तो हमारा ऑर्डर आ गया है और हमने खाया बर्गर, फ्राइज, पिज़्ज़ा एंड कॉफ़ी। यहाँ पे ये कॉस्टली थे बट इट वाज गुड इन टेस्ट। और हमने खाई पेस्ट्रीज, दैट इज रियली डिलीशियस, चॉकलेट वाला तो ज़्यादा यम्मी था। देन हमने मॉल रोड को एक्सप्लोर किया। नाइट में मॉल रोड बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं, आप बहुत चीज़ें ले सकते हैं। तो मुझे मॉल रोड में दिखाई दिया टर्किश आइसक्रीम वाला, दैट वाज रियली इंटरेस्टिंग। सो सी वेरी गुड, यू कैन डू अरेंजमेंट दिस दिन हो गजी गजी रा बोलो जल्दी, वेरी गुड, जन जन मेरे अभी रोड जाना है, बोलो वेरी गुड, हाय हाय, गैजेट 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 गैजेट, वेरी गुड। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, माना गया, हाय हाय, वेरी गुड।